इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है, यदि 120 को एक्स परसेंट से कम करने से और 40 को एक्स परसेंट से बढ़ाने के समान परिणाम मिलता है, तो 210 का एक्स परसेंट 180 के एक्स प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है। भाई देखो क्या कह रहा है ये, 120 दिया गया है इसने पहले, 120 को इसने बोला एक्स परसेंट से कम करने पर, 120 अपने आप में अगर 100% है, 100 माइनस एक्स परसेंट डिवाइड बाई 100, ये हो गया 120 को एक्स परसेंट से कम करने पर। फिर ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है 40 को एक्स परसेंट से बढ़ने पर, 40 को एक्स परसेंट से बढ़ा दिया, 100% था तो एक्स परसेंट से बढ़ा दिया डिवाइड बाई 100, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो देखो 100 से 100 कट गया, 40 से इसको काटो 3 आ गया, तो ये क्या हो गया, 300 माइनस 3x बराबर 100 प्लस x, 3x उधर गया तो 4x बराबर 100 इधर आया, कितना हो गया 200, तो x बराबर मेरा क्या आ गया 50%। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे 50%, इसका मतलब 120 को x परसेंट कम करने पर 50% कम करने पर 60 आएगा, 40 को x परसेंट बढ़ाने पर 50% बढ़ाने पर क्या आएगा 60 आएगा, दोनों बराबर है। अब इसने बोला 210 का x परसेंट, 210 का क्या करना है इसको, x परसेंट ठीक है 180 के, 180 के x प्लस 20% से कितना प्रतिशत कम है, 180 का x प्लस 20, x 50 है, 50 प्लस 20 कितना हो गया 70% से कितना प्रतिशत कम है। देखो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो आपस में कट गई, 7 से काटो 21, 3 3 से काटो ये हो गया 6, तो 5:6। तो मुझे ये देखना है ये इससे कितना प्रतिशत कम है, पहले तो एक कम है, एक कम है कितने पर 6 पर, प्रतिशत निकालने के लिए 1/100, 1/6 क्या होता है 16, से ही 2/3% जो कि ऑप्शन मेरा कौन सा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है।